Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and this is lecture number 6, and today we are going here to take some quality problems. सबसे पहले हम quality problem लेंगे, then again after then we will start a new topic that will be trigonometric equation as it given in the thumbnail. You can see here हम start करने वाले हैं trigonometric equation, but उसके पहले कुछ लेते हैं बेहतरीन question और आपके doubts solve करेंगे. तो सबसे पहले जैसे मैंने last class में आपसे बताया था कि 10 18 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड कॉस 36 इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 4. जैसे ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसको मैं ले चल रहा हूँ यहाँ पे. यस दिस वन 15 डिग्री 18 डिग्री 36 डिग्री, बाकी आपको पता है 30 पता है 45 पता है 60 पता है 90 पता है. बट आपको सोच रहे होंगे कि ये 18 डिग्री कहाँ से आता है, ये 36 डिग्री कहाँ से आता है. सोच रहे हो ना 15 डिग्री कहाँ से आता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द 15 डिग्री, लेट्स टॉक अबाउट 18 डिग्री एंड लेट्स टॉक अबाउट 36 डिग्री. सो अवर कंसर्न इज टू नो दैट हाउ कैन वी गेट दीज एंगल्स, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दीज एंगल्स. एम आई राइट ना गाइज? यस. सो लेट्स स्टार्ट विद अ 15 डिग्री. ओके, टू फाइंड द रेशियो ऑफ दैट 15 डिग्री, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन दैट वॉट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. ओके, वी कैन राइट साइन 15 लाइक दिस. साइन ऑफ 45 माइनस 30, यस नो? नाउ वी हैव द फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का. बच्चों मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45. बात एक ही है, बस नीचे तो कुछ है नहीं, करना क्या है, 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 बाई 2, 1 अपॉन 2 1 बाय रूट 2. यस और नो? एलसीएम रूट 3 डिवाइड बाई 2 रूट 2, हियर माइनस 1 बाई 2 रूट 2. सो नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, यू विल हैव द आंसर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. साइन 15 डिग्री इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक है, इसी तरीके से आपको यदि कॉस 15 फाइंड करना हो, सो कॉस 15 इक्वल टू वही फार्मूला कॉस 45 माइनस 30. ओके, ये अप्लाई द फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ओके, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. सॉरी, आंसर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. डन, दिस इज कॉस 15. सो टेन 15 कैसे फाइंड होगा? टेन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 15 डिग्री. दिस इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल. आंसर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 15. ये हो गई हमारे पास वैल्यू किसकी, 10 15 की. चलिए अब आगे करते हैं. ये वैल्यू मैंने एक आपको बता दी, तो ये देखिए साइन 15 की वैल्यू इसने ऐसे लिख दी है. अब आप कहोगे सर हमने तो दूसरी वैल्यू फाइंड करी, ये थोड़ा ना करी है, बट थोड़ा सा देखिए दिमाग लगा के वही है. रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और 2 को मैं दो बार रूट 2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम क्या? अब मैं ऊपर से यदि रूट 2 कॉमन ले लूँ, तो रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, एक बार रूट 2 दो बार रूट 2 से रूट 2 कैंसिल. आंसर कितना आ गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. तो करेक्टली एग्जैक्टली यही आंसर आया हमारा साइन 15 का जो हमने निकाला अभी. ये देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट
2, दैट इज करेक्ट। ओके, तो बच्चों ये वे था इसको निकालने का। आज हमारा जो क्वेश्चन है, हम वैल्यू निकालने वाले हैं 18 पर, साइन 18, कॉस 18, टेन 18 पर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। टेन 18 पर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लेके चलो कि 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से ये शुरू होना आपका क्वेश्चन कि मान लीजिए 5 थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90। क्यों? क्योंकि आपको थीटा निकालना है। थीटा इक्वल टू कितने डिग्री है, 18, और 18 का 5 गुना कितना होता है, 90। 18 का 5 गुना कितना होता है, 90। आप 18 को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। सो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस कितना, 3 थीटा। ये सुनो, यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। नाउ मैंने आपको पढ़ाया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा बन गया। ये देखिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब नाउ जो वैल्यू जो होती है साइन कॉस 3 थीटा का, फॉर्मूला देखिए आप अपनी कॉपी में, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलिए, तो आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा, बिकॉज कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके गुड, तो देखिए यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा यहाँ से। तो साइन 2 थीटा, मैं इसको लेकर के चलता हूँ क्रॉप करके, देखिए ये हमारी ये चीज़ हमारे पास में है। अब इसको हमको समझना है कि ये कैसे बना हुआ है। हमारे पास था क्या, हमारे पास था साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा मतलब फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब नाउ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा यहाँ पे कितना बच गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब मैथ्स में आप जो है कभी भी इधर से इधर को कैंसिल मत करो, इधर से इधर को कैंसिल मत करो, ठीक है ना। आप हमेशा जो है इस टर्म को राइट साइड में लेके आइए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, बिकॉज राइट साइड में आ गया ये। यहाँ से कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया यहाँ पे, 2 साइन थीटा माइनस, देखिए 4 सॉरी हाँ कॉस थीटा कॉमन आ गया यहाँ से, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, डन, माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, दो चीजों, हाँ बेटा बोलो, कॉस थीटा कॉमन आ गया तो 3 आना चाहिए। गुड, बिल्कुल सही बोल रही हो, 3 बचेगा यहाँ, क्या बचेगा, 3। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। ओके यस, अब देखिए, अब आपके पास ये चीज़ 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो पहला वाला 0 है या तो दूसरा वाला 0 है। तो पहला वाला 0 करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 0, बट हो नहीं सकता। क्यों?
मतलब कॉस 18 डिग्री इक्वल टू कितना, बट ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉस 18 की वैल्यू जीरो तो होती नहीं है, है ना। मतलब ये जीरो होगा, कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा भाई। जैसे दो नंबर होते हैं x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो आइदर x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो नहीं हुआ तो किसके ऊपर जीरो होने की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर। सो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू कितना, जीरो। देखो ये 2 साइन थीटा, इसको सॉल्व करोगे ना तो यही बन रहा है, देख लो 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा इसको। एक मिनट, कहीं पर अपन ने मिस्टेक कर दी क्या, चलो देखते हैं क्योंकि इसका इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 आ रहा है इसमें, और अपना जो है माइनस 3 इधर जाके बच रहा है। हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ ठीक है ना, गलती हुई है, गलती क्या हुई है, ये माइनस साइन है तो जब ये माइनस साइन अंदर अटैक होगा, ये माइनस है और ये माइनस अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस जब जाके इसके ऊपर खोलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। बस वो नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, प्लस 3। ओके अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 2 साइन थीटा ठीक माइनस 4, माइनस माइनस कितना, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस का 4 और प्लस का 3 इक्वल टू कितना, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से साइन थीटा इक्वल टू, अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से साइन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा। देखो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना, माइनस का 2, पता है ना वो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इसका कोएफिशिएंट, क्योंकि एक्स की जगह कौन खेल रहा है, साइन थीटा खेल रहा है, तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू माइनस का 1 अपॉन 2a, 2 4 जा 8, 4 इंटू a इंटू सी, a 4 है, सही है, ठीक है, बोलो क्लियर। तो माइनस का 2 प्लस माइनस 4, 4 गुणे 4 कितना 16, प्लस का 16 अपॉन कितना 8, क्लियर। माइनस 2 प्लस माइनस 16 और 4 कितना 20 बाई कितना 8। मैं 20 को 5 गुणे 4 लिख सकता हूँ, रूट 20 और 2 ही आ जाएगा बाहर और 5 अंदर, तो माइनस 2 प्लस माइनस 5 बाई कितना 8। 2 कॉमन ले लिया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8, 2 4 ज़ा 8, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 अपॉन 4, बोलो यस क्लियर है। अब आपको पता है कि थीटा ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की, यानी कि साइन 18 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना 4। तो दो वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही हैं, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। देखो रूट 5 जो होगा 2 से ज़्यादा होता है,
होता कि नहीं होता, 2 से ज़्यादा होता है। तो जब इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 2 से 1 माइनस होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बोलो। बट ये वैल्यू, ये भी निगेटिव, तो आंसर क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी। और 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ये वाली। तो इस तरीके से साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन कितना 4, या इसको लिख सकते हो रूट 5 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, ये आ गया साइन 18, ये आ गया साइन 18। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री दिस इक्वल टू साइन 90 माइनस 72। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। तो मतलब यही है साइन 18, यही है साइन 18 और यही है कॉस 72 और यही है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, सेम वैल्यू। तो ये आ गई हमारे पास साइन 18 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, साइन 18 की वैल्यू आ गई, आ गई। अब यहाँ से हम कॉस 18 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन 18 की वैल्यू चेक कर लें, ये आ गई कितनी, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर, यहीं से हम कॉस 18 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, सो 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको, 1 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन कितना बेटा 4। क्लियर, 4 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, है ना, 16 यहाँ गया, 16 बन जा 16, माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 2 रूट 5 अपॉन कितना 16, ये सुनो 16, ये 5 और 1 6 हो गया, 16 में से 6 गए कितना बचा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना 16। क्लियर, दो कॉमन ले लो, 5 प्लस रूट 5 अपॉन कितना 16, कैंसिल 8 बार 5 प्लस रूट 5 बाई 8। सिक्सटीन, टेन प्लस, एक मिनट, रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्सटीन माइनस सिक्स टेन, एक मिनट बेटा, एक मिनट बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है, टू का मल्टीप्लाई ठीक है, आर सही आ रहा है बेटा। तो कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 अपॉन 8 बोलो। ठीक है, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई, दो का डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोलो। हाँ, दो का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8, 2 जा कितना 16। क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, हाँ कॉस स्क्वायर 18 था, क्या था यहाँ भी, क्या था, सो कॉस स्क्वायर 18, कॉस 18 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर गया बोलो, हाँ अंडर रूट के अंदर गया 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना 16। तो 10 प्लस 2 रूट 5 तो ठीक है रूट के अंदर, अपॉन कितना 4, देखिए 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4।
क्लियर है, बन जाएगा। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 18 आ चुका है, हमारे पास साइन स्क्वायर 18 आ चुका है, हमारे पास कॉस 18 आ चुका है, हमारे पास साइन 18 आ चुका है, क्लियर है। अब निकालते हैं कॉस 36, क्या निकालते हैं कॉस 36। चलिए कॉस 36 हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है आपको, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर थीटा 18 है तो 2 थीटा कितना होगा 36, तो 1 माइनस कॉस 36 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 18, बोले तो साइन 18 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस 36 को यहाँ ले आइए और 2 को इधर ले आइए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, बोले तो कॉस का कितना 36, पलट करके लिखिए अच्छा लगेगा, तो कॉस 36 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, क्लियर। तो कॉस 36 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, साइन 18 की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है आज ही, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 18, ये देखिए रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 वैल्यू रख दी मैंने, साइन 18 की रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो गया है, 1 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, होल स्क्वायर खत्म हो गया है। यहाँ इसको जान दीजिए, 16 वन जा 16, ओके 16 वन जा 16 हो गया है। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 2, ओके और माइनस 4 रूट 5 अपॉन कितना 16। क्या चल रहा है, ये चल रहा है कॉस 36, क्या चल रहा है यहाँ पर कॉस 36। ये देखिए यहाँ पे 12, तो कितना बचा 14 बचा, और माइनस 4 रूट 5 अपॉन कितना 16, ठीक है 14 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 16 कॉस 36। कहाँ पर 16 माइनस 12 तो 4 आएगा ना? बिल्कुल सही, 16 माइनस 12 क्या आएगा 4 आएगा, यस। तो 4 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 16, 4 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस रूट 5 अपॉन कितना 16, ये कैंसिल हो गया 4, 1 माइनस रूट 5 बाई कितना 4। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर यदि इसको निकालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए किसी भी तरीके से, एक यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर कितना आया 1 प्लस रूट 5 बाई कितना 4, तो इसको लिख सकते हो रूट 5 प्लस 1 अपॉन कितना 4, क्लियर है। तो आप जो है आपके पास जो वैल्यू आ रही है कॉस 36 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ठीक है ना, ये कॉस 36 की वैल्यू आ गई है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखा आपने कि कॉस 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 आ गई है हमारे पास, कॉस 36 डिग्री इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 बाई 4। अब हमें साइन 36 पूछा गया तो कैसे निकालेंगे, साइन 36 डिग्री आप लोग जानते हैं, साइन 36 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 रूट 5 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस रूट 5 प्लस 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, और ये हो गया 2 रूट 5 अपॉन 4 का कितना हो गया 16, और यहाँ पे आ जाइए ये हो गया 16 माइनस 5 और 1 6,
तो ये हो गया हमारे पास बच्चों 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 16। यहाँ से अब आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, है ना। तो यदि आप 2 कॉमन ले सकते हो तो आपको रूट 5, आपने यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, एक काम करिए तो फोर इंटू फोर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लिया आपने तो कितना बचा, 5 माइनस रूट 5, ठीक है। तो 2 से काट दिया आपने, ये हो गया कितना, 2 आ गया। और आपको इसका आंसर वही आ रहा है जो, या एक काम करो आप इसको 4 बार निकालना है तो 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 छोड़ दो, यहाँ से सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में कितना आ गया, 4। तो ज़्यादा सॉल्व मत करो इसको, यहीं तक ला के आपको छोड़ना है तब ये बन रहा है। तो साइन 36 की वैल्यू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो आप लोग, अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। बच्चों ये जो आंसर लिखा है थोड़ा सा इनकरेक्ट है, यहाँ पे रूट जो है ये पूरा नहीं होगा, रूट केवल यहाँ छोटा यहाँ तक होगा, देखिए ये यहाँ तक, मतलब 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है ना। तो cos 18 की वैल्यू कितनी होती है, 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 होती है। sin 18 होता है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। cos 36 होता है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। और sin 36 होता है अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो बच्चों ये था हमारा वैल्यू साइन 18 की और 36 की, साइन 18 कॉस 18, साइन 72 कॉस 72, साइन 36 कॉस 36। और जब आपको साइन 36 कॉस 36 आता है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो कॉस 54 की, कैसे, देखिए साइन 36, साइन 36 इक्वल टू साइन 90 माइनस 36, एंड 90 माइनस 36 इक्वल टू कितना होता है, कॉस 54। और अभी आपने साइन 36 की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है साइन 36 की वैल्यू, ये देखिए लास्ट में निकाली है अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, ठीक है। और जो कॉस 36 निकाली आपने, कितनी निकाली है, रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ये निकाली ना, कॉस 36 देख लीजिए, ये है कॉस 36 इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 बाई 4। और कॉस 36 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 54। और कॉस 90 माइनस 54 कितना होता है, साइन 54। मतलब आज की क्लास का फ़ायदा क्या हुआ, आपने 18 के दोनों एंगल सीख लिए साइन 18 कॉस 18, आपने 72 के दोनों एंगल सीख लिए साइन 72 कॉस 72, आपने 36 के दोनों एंगल सीख लिए साइन 76 कॉस 36, एंड आपने 54 के भी दोनों एंगल सीख लिए साइन 54 एंड कॉस 54। तो गाइस यहाँ तक आई होप क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, तो थोड़ी देर में हम इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा। बच्चों देखिए यहाँ पे थीटा जो है अल्फा के टर्म्स में दिया है, यहाँ पे थीटा किसके टर्म्स में है, अल्फा। और आपको फाइनली अल्फा को थीटा के टर्म्स में लिखना है, अल्फा को थीटा के टर्म्स में लिखना है। तो मेरा मन ये कह रहा है कि आपको हो ना हो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में ऊपर लिख लीजिए, जेई लेवल का पे क्वेश्चन है, एनडीए में भी इतना सरल नहीं, कठिन नहीं आएगा, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लिया आपने टेन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे, टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टेन अल्फा प्लस वन बन जाएगा। अब वन को क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री, तो टेन अल्फा कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, टेन अल्फा माइनस वन की जगह टेन पाई बाई फोर, नीचे वन टेन अल्फा
फिर देखिए 1 प्लस 10 अल्फा, तो 1 को आगे लिख लो और 10 अल्फा को पीछे लिख लो, ये लिख दिया। अब बोलोगे ये कहाँ से है, अरे ये 1 है ना, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता। अब आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था 10a माइनस बी का फार्मूला, याद होगा आपको 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 10a 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो बच्चों सेम उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या बन जाएगा, 10 अल्फा माइनस पाई बाई 4, ये बन गया 10 अल्फा माइनस पाई बाई 4। तो थीटा से 10 से 10 कैंसिल हो गया और थीटा इज इक्वल टू आ गया अल्फा माइनस पाई बाई 4। और मैं यही आपसे कह रहा था क्या मैं अल्फ़ा को थीटा के टर्म्स में लाना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 4 आ गया कि नहीं है, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 4। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ रख दीजिए थीटा प्लस पाई बाई 4, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी साइन माइनस, एक मिनट, ये तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। चलिए कॉस पाई बाई 4 वन अपॉन रूट टू साइन थीटा, वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा, वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा, वन अपॉन रूट टू साइन थीटा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा बन जाएगा टू अपॉन रूट टू कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल आ गया, आंसर कितना आ गया अंडर रूट टू कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम। तो ये है बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको करिए एक बार। चलिए स्टार्ट से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले टेन थीटा को, टेन जो इक्वेशन दिया है उसमें साइन अल्फा का डिवाइड करके, सॉरी उसमें आपने साइन अल्फा का डिवाइड करके कॉस अल्फा का डिवाइड करके, नॉट साइन अल्फा, कॉस अल्फा का डिवाइड करके आपने उसको कैसे बदल लिया, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस पाई बाई 4, जिससे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई और इस अल्फा को उठा के आपने यहाँ रख दिया तो आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। तो ओके गाइस, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का लास्ट कंसेप्ट है, और हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग अपनी कॉपी में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, इक्वेशन देखिए बच्चों, अभी तक आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री में थी आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज जैसे आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ऐसा इक्वेशन जो थीटा की हर वैल्यू के लिए सही हो, वैलिड हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। बट मैं आपसे लिखूं साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन तो है बट ये आइडेंटिटी नहीं है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सत्य नहीं है। आपको पता होगा कि साइन 90 तो 1 होता है बट साइन 0 डिग्री 1 नहीं होता है, तो मतलब 90 के लिए तो सही है बट इसके लिए फॉल्स है, तो इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, इसे इक्वेशन बोलते हैं। सो ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में बच्चों, कि जो आइडेंटिटी हुआ करती है वो हर एंगल के लिए सत्य होती है, ओके, मगर जो इक्वेशंस होते हैं वो कुछ ही एंगल के लिए, कुछ ही वैल्यूज़ के लिए ट्रू हुआ करते हैं, सब पर वो सत्य नहीं होते। क्या लिखा हुआ पढ़ो बच्चों, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनको इन्वॉल्व करने वाले इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन आर कॉल्ड आइडेंटिटीज इफ दे आर सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, यानी कि थीटा, अगर कोई ऐसा इक्वेशन जो कि हर वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी, ओके। अब बट ऐसे इक्वेशन, कुछ और इक्वेशन होते हैं, आइडेंटिटीज केवल वो इक्वेशन है जिनको हर एंगल सेटिस्फाई करती है, बाकी के बाकी आइडेंटिटीज नहीं है, बाकी क्या है, इक्वेशन है, बाकी क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इक्वल टू समथिंग मान लो आपको मैंने दे दिया 0.7। तो बच्चों मेरे बच्चों, क्या ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सत्य है? एक नो, गलत। रख करके देख लो, अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, और कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू 0.7 के इक्वल आ रही है? नहीं। तो ये जो दिया गया स्ट्रक्चर आपके सामने, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। इसलिए ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। अब सवाल आएगा कि सर कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मेरा जवाब है बहुत सारे। मेरा क्या जवाब है? बहुत सारे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक सर्कुलर फंक्शन है। मैंने यूनिट सर्कल से आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है, रिपीट होते ही जाता है, कभी रिपीट होते ही जाता है, एंगल बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आपकी वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू 0 डिग्री कितने डिग्री पे होती थी? 0 पे होती थी। फिर साइन की वैल्यू 0 वापस कितने पे होती थी? 180 पे। फिर वापस कितने पे जाती थी? 360 पे। यस और नो? तो वैल्यू देख रहे हो साइन की, कई बार 0 हो रही है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि साइन थीटा इक्वल टू 0 बताओ कहाँ पे होगा। तो आप मेरे को बहुत सारे इसके आंसर दोगे, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 360 डिग्री, एक आप इसके बाद फिर से बढ़ के जाओगे तो 360 में 3 जोड़ दो, ओके 540 डिग्री, फिर वापस आ जाओगे तो 720। मतलब आप मेरे को बहुत सारे आंसर दोगे। तो एक आंसर तो ये है, इसके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो एक आंसर, वो जो आंसर सबसे करीब होता है, मतलब केवल और केवल फर्स्ट राउंड का आंसर। फर्स्ट राउंड का आंसर मतलब कहाँ शुरुआत? 0 से, और ख़त्म कहाँ से? 360। ये कहला गया फर्स्ट राउंड का आंसर, 0 से शुरू 360 पे फिनिश, यानी कि 0 से लेकर के 2π के बीच का आंसर। 0 से लेकर कहाँ तक का? 2π के बीच का आंसर। इसको हम ऐसे आंसर को, ऐसे सॉल्यूशन को, अपने इक्वेशन का, अपने इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2π के बीच में हो, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? उस सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये देख लीजिए, लिखा भी हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच थीटा इज बिटवीन 0 to 2π। 0 to 2π मतलब केवल एक चक्कर के अंदर 0 से लेके 2π में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब एक ऐसा सॉल्यूशन भी होता है जो मैं सबके बल दे एक ऐसा सॉल्यूशन दिखा दूं। जैसे मान लो मेरे घर में कुछ बच्चे खेलने के लिए आए, उनके नाम है रीना, टिक्कू, बिट्टू, 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 चंगू, मंगू, जो भी नाम है। मैंने इन नाम की जगह मैंने कहा कि कौन खेलने आया है, मैंने सबका अलग अलग नाम नहीं लिया, मैंने कहा बच्चे खेलने आए हैं। मैंने कहा क्या कहा? बच्चे खेलने आए हैं। अब मेरे घर में मैंने कहा साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है? तो देखो जरा, तो इसमें 0 पे हो रही है, फिर कहाँ पे हो रही है? 180 यानी पाई पे हो रही है, फिर 2π पे हो रही है, फिर कहाँ पे हो रही है बेटा? 3π पे भी हो रही ना, फिर आएगा वापस तो 4π पे, फिर कहाँ पे आओगी? 5π, फिर कहाँ होगी? 6π, फिर कहाँ होगा? 7π। तो इतनी सारी वैल्यूज़ बार बार 0 हो रही इन पर। तो मेरे से कोई कहेगा कि बताइए साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन, तो मैं कहूँगा थीटा इक्वल टू n π। थीटा इक्वल टू n क्या है यहाँ पे? n इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का पहला 0, फिर 1π, फिर इंटीजर अगला 2, अगला इंटीजर 3, अगला इंटीजर 4, फिर 5। तो इस सोल्यूशन से क्या आपको लग रहा है कि मैंने सारे हल बता दिए? क्या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मैंने सारे आंसर्स बता दिए कि नहीं बताए? नहीं लग रहा? अरे मुझे तो लग रहा है भाई बच्चों। क्यों नहीं लग रहा है? देखो, थीटा इक्वल टू एन पाई मैंने कहा, और थीटा इक्वल टू एन पाई में मैंने यहाँ पे कह भी दिया कि एन क्या है? इंटीजर है। तो आप यहाँ कहोगे एन की वैल्यू इंटीजर लेके चलो, तो थीटा इक्वल टू 0π यानी कि 0, फिर 1π यानी कि पाई, फिर 2π यानी कि 2π, 3π यानी कि 3π। मतलब मैंने सारी वैल्यूज इधर की। और अगर आप निगेटिव इंटीजर लोगे तो -π भी शामिल है, -2π भी शामिल है, -3π भी शामिल। मैंने सब तो बता दिया। तो एक ऐसा हल, एक ऐसा आंसर जो कि सारी वैल्यू उसके बारे में बता दे, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। जैसे कि मान लो इस तरीके से कि मुझे कुछ चीज़ें हैं मेरे शरीर में सिम्टम्स हैं, मुझे छींक आ रही है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, मुझे हल्का बुखार है, मेरा गला ख़राब है, समझ गए ना, मेरे गले में दर्द है, मेरी नाक जाम है, मुझे सब कुछ है, तो मैं कहूँगा इसका जनरल सोल्यूशन क्या है एक शब्दों में बताओ, तो बोलोगे सर आपको क्या हो गया है, कफ एंड कोल्ड हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें ये इसके छोटे छोटे हल हैं, छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं, बट इन जनरली बात की जाए तो ये किसका है, ये कफ एंड कोल्ड। तो ऐसे मैंने कहा कि जीरो लिखो, पाई लिखो, टू पाई लिखो, थ्री पाई लिखो, फोर पाई लिखो, मैंने कहा सबको मिला के क्या लिख दो, एन पाई। सारे हल हैं इसमें, सारे सोल्यूशंस हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जो सब सोल्यूशन को कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन, समझ गए ना, उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। आइए तो अब ये कहलाता, देखिए द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। अब आपको कुछ जनरल सोल्यूशन याद करने हैं, कुछ आपको जनरल सोल्यूशन याद करने हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला जनरल सोल्यूशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन होता है ये जो लिखा है एज इट इज, आपको ये इस फॉर्म में याद कर लेना है। क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू कितना, अल्फा, अल्फा, ये अल्फा आपको याद करना है, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या, जेड, जेड यानी इंटीजर, जेड यानी इंटीजर। गिव द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये है, कौन सा इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगला इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन ये है, देखिए आपके सामने थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये है जनरल सोल्यूशन। अगला टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सोल्यूशन, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये आपके सब इनके बन गए जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। अगला इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, समझ में आया, क्लियर। देन नेक्स्ट, तो ये मेन आपके जितने मैंने बताया आपको ये बहुत काम के हैं, ये क्या है, बहुत काम के हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा कि आपने एट ए टाइम एक ही इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकाला, कितने इक्वेशन का, एक ही इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकाला। अब आप को मैं कह रहा हूं कि दो इक्वेशन दे रहा हूं, कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालो, दो इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मतलब जो एंगल होगा वो एट ए टाइम दोनों को सेटिस्फाई करेगा, किसको करेगा, एट ए टाइम दोनों को, मतलब कंडीशन कुछ ऐसी थी अभी तक, मैंने कहा ये आपके पास जगह है, इस जगह में कहीं पर जनरल, इस जगह में आपको रहना है, तो आप कोई भी इस जगह का कोई भी एंगल ले लिया आपने, बोलो हाँ। अब मैंने कहा आपको कि आपको इसमें भी रहना है और इसमें भी रहना है, ये है इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, आपको दोनों का सोल्यूशन निकालना है, समझ गए ना। तो आपका आंसर किस में आएगा, यहाँ पे आएगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि इक्वेशन ये देखिए, आपके पास द जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा सेटिस्फाइंग इक्वेशन, पहला इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू, और दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा बच्चों वो होगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा, एनी प्रॉब्लम, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा। एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड मतलब एन जो है वो किसका मेंबर, बिलोंग मतलब मेंबर है, किसका, जेड का, जेड मतलब इंटीजर, एन जो है वो इंटीजर का मेंबर है, एन जो है यहाँ पे आ रहा है एन, एन यानी कि ये वाला एन है ना, तो किसका मेंबर है, इंटीजर का, तो इंटीजर मतलब वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, एन जो है वो इंटीजर का मेंबर है, एन बिलोंग्स, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज कॉल्ड
belongs to. Yes, तो ये सिंबल जो है belongs का सिंबल है. To find, ठीक है ना, ये हो गया. Clear? अभी पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के जितने मैंने बताए हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको आगे की प्रैक्टिस लेकर के चलूंगा. ये हाई लेवल की और प्रैक्टिस है. फिलहाल जितना मैंने बता दिया उस लेवल पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ. चलिए आइए देखते हैं. पहला मैं कंसेप्ट आपके सामने दिखाता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन क्या होगा और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा. प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बता दिया जो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में हो, और जनरल सोल्यूशन मैंने बता दिया जो पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करे. यस और नो? जो पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करे. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या चल रहा है, क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कितना, जीरो. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जिनके लिए साइन जीरो होता है. तो एक तो आँख मूंद करके टेंथ क्लास का लड़का कह लेगा कितने रेडियन, जीरो रेडियन, समझ गए. दूसरा जिसने पढ़ रखा है कि साइन पाई पर मैंने ग्राफ बनाया था ना, पाई पर वैल्यू कितनी होती है, जीरो, पाई रेडियन. फिर किस पर होती है, टू पाई रेडियन. तो टू पाई पर भी क्या होती है, जीरो होती है. यस और नो? तो आपने जनरल सोल्यूशन में क्या पढ़ा था, जीरो से बड़ा और टू पाई से छोटा, बड़ा या बराबर टू पाई से छोटा. तो बेटा यहाँ पर ये जो एंगल है दो, ये कहला गए इसके जनरल सोल्यूशन. क्या कहला गए ये, आया समझ में, आया समझ में नहीं आया, ये कहला गए, सॉरी जनरल क्यों कहलाएंगे बेटा, क्या नाम था इनका, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, है ना. क्या कहलाएंगे ये, प्रिंसिपल सोल्यूशन. टू पाई आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो टू पाई से छोटा है, इक्वल लगा है कि नहीं लगा, ये देखो जीरो पे तो उसने इक्वल लगा रखा है, लगा है नहीं लगा, मगर टू पाई पर इक्वल लगा है क्या, नहीं लगा, ये लगा है बस, ये नहीं लगा. तो टू पाई से छोटा, टू पाई से छोटा, इसलिए ये हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन. अब मैं कहूँगा साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे, तो आप कहोगे जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, फोर पाई पर, फाइव पाई पर. मैं बोलूँगा भाई इतना मत लिखो ना, सीधे मेरे को एक लाइन में बताओ जनरल सोल्यूशन क्या होगा. तो आप बोलोगे इतना मत परेशान हो सर, थीटा इक्वल टू कितना, एन पाई. मैं बोलूँगा एन क्या है, अरे सर इतनी सी बात, एन क्या है, इंटीजर है. एन क्या है, तो इंटीजर को किससे शो करते हैं, जेड से. किससे शो करते हैं, जेड से. तो ये हो गया. अब आइए इसको ग्राफ में देख लेते हैं, ग्राफ में और मजा आ जाए. ये मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है ना. किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है. y इक्वल टू साइन थीटा क्या है, इनपुट है. इनपुट किस एक्सेस में आता है, x एक्सेस में, ये थीटा है. और आउटपुट क्या है बेटा, y है. तो ये y आ गया. y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन. बोलो हाँ. आपको सीखने के लिए ग्राफ को थोड़ा सा मैं पीछे तरफ भी खींच देता हूँ, बस काफ़ी इतना, ठीक है ना. अब देखिए मैंने आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया था कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा. तो पहले मैं वैल्यू डाल दूँ, फिर उसके बाद मज़ा आएगा. ये कितने रेडियन, जीरो रेडियन. ये कितना होता है बेटा, पाई. ये कितना होता है, टू पाई. ये कितना होता है, थ्री पाई. ये होता है फोर पाई. ये होता है फाइव पाई. ये होता है सिक्स पाई. ये होता है सेवन पाई. और ये होता है बेटा माइनस पाई. ऐसे पीछे चलते जाता है. तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ से जहाँ चल रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा. तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आना है आपको अब समझ में आ रहा होगा. प्रिंसिपल सोल्यूशन जीरो से लेके टू पाई के बीच में. तो एक तो हो गया जीरो, बोलो हाँ, थ्री टेक कॉल टू कितना, जीरो. और दूसरा हो गया कितना, पाई. कितना हो गया, पाई. अब जनरल सोल्यूशन जिसमें सारे एंगल आ जाएं, तो क्या बोल रहा है, साइन की वैल्यू जीरो. साइन की वैल्यू जीरो, यानी साइन थीटा, यानी कि वाई की वैल्यू जीरो. किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो. बेटा वाई ये है, वाई की वैल्यू जीरो. देखो कौन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है. फिर देखो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है. तो मतलब जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू कितना, एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड. अब एक और चीज़ देखो मजे की. अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू चाहिए, कितनी है, वन बाई टू. तो महसूस करो इस बात को बेटा कि वन बाई टू कहाँ पर होगा. बेटा ध्यान से देखो, ये वन है कि नहीं है, है ना वन. ये क्या है, वन है. बेटा वन का आधा कितना होता है, वन बाई टू.
ये देखो 1/2, तो 1/2 देखो पहली बार कहाँ पर टकराता है, 30 डिग्री में, कितने डिग्री में, 30 डिग्री में टकरा रहा कि नहीं टकरा रहा। अगली बार यहाँ पर टकराएगा, बोलो हाँ, ये इधर 30 ज़्यादा तो इधर 30 कम, तो 180 में से 30 कम कितना हुआ 150। तो मेरे से कोई बोलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का सोल्यूशन बताओ, तो सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन प्रिंसिपल, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में देखो 1/2 कहाँ पे हो रही, पहले ये 30 डिग्री π/6 और दूसरा ये वाली 150 या 5π/6, तो आंसर कितना आ गया π/6 और कितना 5π/6। अब इसके बाद जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो 30 डिग्री वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पर मिल रही बेटा, इस एंगल पर मिल रही कि नहीं मिल रही, इस एंगल पे मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छा फिर ये निगेटिव चला गया छोड़ो, फिर से इस एंगल पे मिली कि नहीं मिली, फिर से इस एंगल पे मिली कि नहीं मिली, फिर से इस एंगल पे मिली कि नहीं मिली, फिर से इस एंगल पे मिल गई, मतलब ये भी है, फिर से मिल गई यहाँ पे, फिर से मिल गई यहाँ पे, ओ माय गॉड इतने सारे एंगल हैं, कैसे इन सारे एंगल का नाम मैं दे दूँ। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस 1 की पावर n × अल्फ़ा होता है कि नहीं होता है, तो साइन थीटा क्या, कौन सा इक्वेशन दिया आपको पूछा गया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यही ना दिया गया बेटा, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं से लिखूँगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2 मतलब कितना बेटा π/6 30 डिग्री, क्या कर दिया मैंने इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा की फॉर्म में लिख दिया, लिख दिया अल्फ़ा क्या है, ये एंगल है π/6 लिख दिया। अब मैं जानता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n × कितना अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख दो इससे फार्मूले से थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फ़ा की जगह कौन खेल रहा है, बस ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन से आपको सारे सोल्यूशन पता चल जाएंगे यकीन मानो। चलो पुट करते जाओ, सबसे पहले n क्या इंटीजर है, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, चलो n की वैल्यू डालो, n की पहली वैल्यू क्या डाल दो 0, क्या डाल दो 0 डालो, तो थीटा फर्स्ट वैल्यू थीटा की 0 पाई कितना हो गया 0 और माइनस 1 की पावर 0 कितना होता 1 × π/6, बोलो पहला एंगल कितना आया π/6 आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया। अगला एंगल देखो बेटा, n की जगह 1 रख दो, n की जगह क्या रख दो 1 रख दो, n की जगह 1 रखा तो थीटा इक्वल टू 1π मतलब पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 कितना होता, माइनस 1 ही तो होता है, तो माइनस 1 × π/6 बोले तो बेटा पाई माइनस π/6 6 × π 6π − π बोलो कितना हुआ 5π/6 π/6 कितना होता 30 × 5 बोलो कितने डिग्री मैम 50 देखो आया था दूसरा एंगल 150 आया था कि नहीं आया था आया ना, तो तरकीब है ये, कहे की तरकीब है, सारे आंसर दे देगा ऐसा सोल्यूशन जो आपके इक्वेशन के सारे आंसर दे दे उसको बोलते हैं हम जनरल सोल्यूशन। बोलिए आया समझ में, कोई दिक्कत, तो ये कहलाता है जनरल सोल्यूशन। अब कुछ जनरल सोल्यूशन जो हैं आपको याद करके रखने हैं जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये जनरल सोल्यूशन मैंने आपको जो लिखाए हैं ये आपको याद करके रखने हैं, समझ गए ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको जनरल सोल्यूशन वाले क्वेश्चन जो हैं करके लेके आना है। कुछ और जनरल सोल्यूशन बता देता हूँ, देखिए अगला जनरल सोल्यूशन लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, वैसे मैंने पढ़ाया है थीटा इक्वल टू 2n π + −α यही था ना, 2n π + −α यही था। अगला जनरल सोल्यूशन कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू कितना 2n + −1 π/2, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, ये क्या होता 2n + −1 क्या होता ऑड, 2n मतलब इवन, इवन से एक ज़्यादा या इवन से एक कम, तो इसको दो बार भी लिख सकते हो आप, या तो ले सकते हो 2n + 1 π/2 या 2n − 1 π/2। अब ग्राफिकली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, कॉस 0 पे कितना होता 1, बोलो हाँ कॉस 0 कितना होता 1 बताइए, है कॉस का ग्राफ कि नहीं है, है ना कॉस का ग्राफ, क्यों कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी होती 1,
और कॉस 90 कितना होता है, जीरो. देखो कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू के बाद ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है थ्री पाई बाई टू, ये कितना होता है फाइव पाई बाई टू, ये कितना होता है सेवन पाई बाई टू, ये कितना होता है नाइन पाई बाई टू. पता है कि नहीं पता, है ना, ये कॉस का ग्राफ है. अब आप ध्यान से देखो कि कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है. क्यों देखो, क्योंकि हम सोल्यूशन निकाल ही रहे हैं. कॉस थीटा इक्वल टू कितना, जीरो. हम इसका सोल्यूशन निकालें तो कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे हुई, देखो ये एक वाई है और ये कॉस थीटा, ये थीटा है. तो थीटा की किस वैल्यू पर कॉस की वैल्यू जीरो हुई, देखो ध्यान से, यहाँ पर हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई. और ये सब वैल्यू देखो, पाई बाई टू का मल्टीपल कितना है वन, बोलो हाँ. पाई बाई टू का मल्टीपल कितना है थ्री, पाई बाई टू का मल्टीपल कितना है फाइव, पाई बाई टू का मल्टीपल कितना है सेवन, पाई बाई टू का मल्टीपल कितना है नाइन. अरे भैया सारे मल्टीपल ऑड हैं, तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड, और ऑड को मैथ की फॉर्म में बोलते हैं टू एन प्लस वन बोल दो या टू एन माइनस वन, क्योंकि इवन से एक ज़्यादा भी ऑड होता है और इवन से एक कम भी ऑड होता है. तो स्वाद अनुसार जो मन करे आपका, मान के चलो आप या तो 2n माइनस वन या 2n प्लस वन, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर. रही बात मेरी, मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको मानता हूँ, पाई बाई टू इंटू टू एन प्लस वन, ये कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन है. ठीक है, एक और बता देता हूँ मैं आपको कि टेन एक्स इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, टेन एक्स इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन क्या होगा. भाई मैं कहता हूँ कि टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स, बोलो हाँ या ना. तो टेन एक्स जीरो कब होगा, जहाँ जहाँ ये निपटेगा, और ये कहाँ कहाँ निपटता, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है एक्स इक्वल टू कहाँ पर, एन पाई पर. तो इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई, क्योंकि जहाँ जहाँ तुम निपटोगे वहीं तो हम निपटेंगे, क्योंकि टेन एक्स का जीरो होना किस पर डिपेंड करता है, साइन एक्स के जीरो होने पर. इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि आपको जनरल सोल्यूशन बताना है इसका, कॉट एक्स इक्वल टू जीरो, तो भाई साहब कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स इक्वल टू कितना, जीरो. कॉस एक्स जहाँ जीरो होगा वहीं पर तो कॉट एक्स जीरो होगा. तो बच्चों मेरे कॉस एक्स कहाँ पर जीरो होगा, अभी तो बताया पाई बाई टू का कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल टू एन प्लस वन, तो यही होगा इसका सॉल्यूशन. बच्चों ये एक्सरसाइज जो है, आज जो एक्सरसाइज आप करने जा रहे हो, ये ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर आपको आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें ये बहुत काम में आएगी, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना. हालांकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप जब तक जीवन में पढ़ाई करोगे, जिस जो तुम्हारे जीवन के पढ़ाई का आखिरी दिन होगा, जिस दिन तुम अपनी सारी किताबें रख रहे होगे कि आज से मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है ना. हालांकि मेरी समझ में ऐसा दिन किसी पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी में शायद नहीं आता है, मगर जब तक तुम मैथ्स की पढ़ाई करोगे जिस आखिरी दिन तक, तब तक तुम्हारी लाइफ में ये चैप्टर यूज़ होगा, और बिना इस चैप्टर के तुम्हारी मैथ्स की गाड़ी चल ही नहीं सकती है, मेरे कहने का मतलब. इसलिए ये चैप्टर बहुत बेसिक है, बहुत ज़िंदगी भर में तुमको फ़ायदा देने वाला है. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए ये सारी बातें कहना ज़रूरी थी. लास्ट टॉपिक पिछले टॉपिक के जैसे ही शुरुआत में लगा, अरे बड़ा कठिन है, बड़ा डरावना है, बड़ा टफ है, मगर आपने देखा पिछले तीन एक्सरसाइज के आप लोगों ने धुएँ उड़ा दिए. तो एक दिन का सब्र है इसमें, कितने दिन का, एक दिन थोड़ा सा कठिन लगेगा, उसके बाद आप फिर से इसके मास्टर होने वाले हैं, जैसे कि अभी तक आपने किया है. तो एक दिन थोड़े से क्वेश्चन कठिन लगेंगे. क्यों कठिन लगेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये नए नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करे हैं. तो आप साइन का लगाओगे बट मन कहीं कॉस का लगवा देगा, कॉस का लगाओगे तो मन कहीं टेन का लगवा देगा, टेन का लगाओगे तो कहीं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का लगवा देगा. समझ गया ना. तो अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, आराम आराम से लगाना, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है. एक दो तीन दिन में बड़ी अच्छी फ्लुएंसी पकड़ लोगे, गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू में, अपने आप गाड़ी बाद में भागना शुरू होगी. चलिए तो खैर, तो कल का टास्क क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 कल आपको करके लाना है, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की.
इसके बाद हम एनसीईआरटी में मिसलेनियस कराएंगे आपको, और इसके बाद ये देखिए सामने आपके चमक रहे हैं खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, ये किसके हैं, ये देखो भाई साहब ये क्या आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इक्वेशन के ही क्वेश्चन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।